प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो या फिर माफियाओं पर लगाम लगाना, कानून व्यवस्था दुरुस्त करना हो या फिर प्रदेश की जनता के लिए हर वो एक काम करना जो बाकी सरकारें करने से बचती भी आई हैं और डरती भी हैं, वो सब योगी ने कर दिखाया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि योगी हर तबके के लिए बेहतर से बेहतरीन काम कर रही हैं। अब एक बार फिर योगी ने यूपी के विश्वविद्यालय को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब छात्रों को पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ये फैसला योगी सरकार ने ऐसे वक्त में लिया है जब एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के चैप्टर्स को हटाए जाने की बात सामने आई है। योगी सरकार का ये फैसला साफ दिखाता है कि छात्रों को अपने इतिहास के बारे में अच्छे से और विस्तार से पता होना चाहिए। यही वजह है कि इस तरह का फैसला लिया गया है। इस बात की जानकारी हार्दिक भावसर ने देते हुए कहा, महाराज जी का मास्टर स्ट्रोक, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को त्रेता युग से लेकर अब तक के युद्धों में देश के जवानों को मिली जीत की गाथा भी पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों में रक्षा अध्ययन विषय के छात्र अब ये सब पढ़ेंगे। योगी सरकार के इस फैसले पर हर कोई चर्चा कर रहा है और इसे सही बता रहा है। योगी ने जिस तरह से बच्चों के लिए कदम उठाया, अब उस पर आपका क्या कहना है ये आप हमें जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं सीएम योगी का वो बयान जिसमें वो सीधे तौर पर माफियाओं को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहना चाहिए था, ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं कहा? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था।